उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड पर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप पर कार्रवाई के खिलाफ पुलिस लामबंद होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रशांत चौधरी की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस सामूहिक अवकाश और काला दिवस मनाने की कह रही है। इन अफवाहों को दूर करने के लिए प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी सिपाही विरोध की स्थिति में नहीं है। मुझे अपने जवानों पर पूरा विश्वास है, प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के सिपाही विरोध की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है, मुझे अपने जवानों पर पूरा विश्वास है, वह कभी गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। ओपी सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो फोटो चल रही है वह भ्रामक है और आज की नहीं बल्कि 2 साल पुरानी है। दरअसल विवेक तिवारी की हत्या पर एक तरफा कार्यवाही पर कुछ पुलिस कर्मियों में नाराजगी है, जिसे लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जा रहा है कि जिसमें विवेक तिवारी हत्याकांड में एक तरफा कार्यवाही हो रही है। पुलिस परिषद ने कहा है कि इस मामले को लेकर विरोध करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद में यूपी पुलिस कर्मचारी परिषद ने इसके लिए 6 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, अवकाश की समस्या, आत्महत्या और हत्या के विरोध से जुड़ी रूपरेखा तय होगी। खबर है कि एक अन्य संगठन अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन यूपी ने 5 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।